Good morning students, let's start part 2 of chapter number 5, the ailing planet. तो हमने देखा आगे एक पहले पार्ट में कि किस तरीके से नैनी पालखी वाला ने हमें अर्थ की मूवमेंट के बारे में बताया है और किस तरीके से हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं. ठीक है, अब हमने देखा था कि लुसाका जाम्बिया में एक जू है जहां पे जो एक केज है उसके अंदर कोई एनिमल नहीं है, वहां पे एक मिरर है और वहां पे ह्यूमन बीइंग को मोस्ट डेंजरस एनिमल कहा गया है. सो हमने देखा कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने हमें बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें हमें चार तरीके के पार्ट यहाँ पे हमें सिखाए, पॉइंट सिखाए हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स. तो यहाँ पे फिशरीज जो है वो भी खत्म हो रही है. वो किस तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पे अभी प्रोटीन अवेयरनेस ज्यादा हो रही है हमें कि प्रोटीन हमें चाहिए. एक्चुअली पहले के जमाने में जिस तरीके का खाना था कभी किसी को किसी तरह की तकलीफ हुई ही नहीं, बट अभी जिस तरह का खाना है जंक फूड एंड ऑल दैट, तो डाइट प्लान्स है ना, ये सब कुछ जो है उसमें बहुत सारी कमियां हमें आने लगी है. तो उसमें एक कमी है प्रोटीन. प्रोटीन की कमी के लिए, उसको कवर करने के लिए हमें फिश जो है उसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है. तब उसके लिए भी ज्यादातर अब सब लोग प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन के लिए फिश के ऊपर डिपेंड होने लगे. तो ऑब्वियसली अगर सब लोग इस तरीके के सोचने लगेंगे, इस तरीके का काम करने लगे, खाना खाने लगेंगे, तो फिशरीज भी कम हो जाएगी और हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन और पॉल्यूशन. जो एटमोस्फियर में बदलाव आ रहा है उसके लिए फिशरीज में भी इफेक्ट हो रहा है, ना ही सिर्फ क्रॉपलैंड और ग्रासलैंड के ऊपर बट समंदर में जो जीव रहते हैं, सी एनिमल्स एंड सी बर्ड्स, उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है. इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, दिस फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स. इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बींग इम्पेयर्ड. सो अभी ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत कम होने लगी है. अब देख लो पेट्रोलियम जो भी हमारे खनिज पदार्थ हैं वो भी बहुत कम होने लगे और हम ब्लेम करते हैं कि कम हो गया है, ये यूज बहुत हो रहा, इसको हमें कम यूज करना चाहिए, हमें संभालना चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए, पेट्रोल की जगह सीएनजी या एलपीजी किट लगवानी चाहिए. बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं, कोई ज्यादातर फॉलो इसको नहीं करता और हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि हमारे जो फॉरफादर्स से, उन्हों फॉरफादर्स नहीं कह सकते, एक्चुअली हमें पूर्वज से नहीं मिला ये सब कुछ, जो है हमें हमारी जनरेशन से मिला है. हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको हम देंगे, हमारी लास्ट जनरेशन से हमें मिला है. तो ना ही सिर्फ हमें अपने आप को बचाना है बट ये प्लैनेट को भी बचाना है. तो इसीलिए जो भी सारी चीजें हमारी प्लैनेट में से, अर्थ पे से जो भी खत्म हो रही है उसको हमें बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है और उसको बचाना भी है, वरना फिर जिस तरीके से डायनासोर का जो युग था और जिस तरीके से वो पूरा युग खत्म हो गया और देन आफ्टर हमारा जन्म हुआ है ना, तो हो सकता है कि इस तरीके से हमारा जो ये प्लैनेट है वो भी एक खत्म हो जाए, एक नया युग फिर से शुरू हो. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and cropland deteriorate. अब यहाँ पे देखो fisheries खत्म हो रही है, fisheries खत्म हो रही है and forest जो है वो cut हो रहे हैं and grassland जो है वो मैदान में convert हो रहे हैं, cropland है वो भी खत्म हो रहे हैं. तो हमें ये सब का बहुत ध्यान रखना. इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग. इन सेम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज In the words of Dr. Myers,
द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात कही है कि प्रोटीन कॉन्शियस है, वो ज्यादा फिश खाते हैं तो फिशरीज भी कम हो रही है, और जो लोकल पब्लिक मतलब जो पुअर पीपल है, गांव के लोग है, वो क्या करते हैं, हाँ खाना वाना पकाने के लिए क्या करेंगे, पेड़ को काटेंगे और फॉरेस्ट उसकी वजह से कम होंगे। अब हो ये रहा है कि पॉट के अंदर के खाने से ज्यादा पॉट के नीचे जो जो ईंधन जल रहा है ना, जो लकड़ी जिसके ऊपर खाना पक रहा है, वो अब महंगा हो रहा है ना। लकड़ी का भाव आपने कभी सुना हो, कभी विंटर में चूल्हे वूल्हे पे पानी करते हो, खाना वाना पकाते हैं, तो उसका भाव बहुत बढ़ चुका है, उसका रेट जो बहुत बढ़ चुका है। तो इतना अच्छे तरीके से हमसे समझाया है कि पॉट के अंदर के खाने से ज्यादा पॉट के नीचे का जो ईंधन है वो ज्यादा महंगा है। इट हैज बीन वेल सेड द फॉरेस्ट प्रिसेड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ एरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million एकर्स अ ईयर एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सोइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट अ फाइव फोल्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। ये सारे जो नंबर्स दिए हैं कि 2000 में फ्यूल की इतनी डिमांड थी, और जिस तरीके से एन एकर एकर 50 million एकर अ ईयर, इतना जितना हम लोग कट करते जा रहे हैं फॉरेस्ट को, जितना कम हो रहा है, और बिकॉज ऑफ 2000 में जो ईंधन था उसकी इतनी डिमांड थी, तो इस तरीके से हमने सोचो फॉरेस्ट को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। James Spade, the president of the World Resources Institute, said the other day, "We were saying that we are losing the forest at an acre a second." हम forest को एक second में and एक acre जितना loss कर रहे हैं, but it is much closer to an acre and a half to a second. But ये बहुत अब नजदीक है कि half second में एक acre को हम cut करेंगे। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. अब इंडिया में रूल्स तो बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं बनाने के लिए, बट उसका जो इम्प्लीमेंट, उसका जो फॉलो है वो नहीं करता कोई, वो बहुत कम लोग करते हैं, और उसको अमल में लाते लाते, इम्प्लीमेंट में लाते लाते बहुत टाइम लग जाता है। अभी भी इनटचेबल एंड कास्ट रेफरेंसेस, इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं चल रही है, बल्कि इसका इम्प्लीमेंट तो बहुत टाइम पहले से शुरू हो गया था, बट फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं ये अभी भी चल रही है, कास्ट प्रॉब्लम एंड अनटचेबल। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी, वाइल्ड के लिए भी हमने लोगों ने रूल्स तो बनाए, बट इम्प्लीमेंट में कितने आए वो अभी पता नहीं है। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. Obviously, India में बनते तो है, but enforcedly कोई करता नहीं है. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability, and bonded labor shall be abolished. But they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of constitutions. देखा यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर, बच्चों से लेबरिंग नहीं करवाना, वो सब अभी भी चल रहा है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे जो लोग हैं जो अभी भी ये सब फॉलो कर रहे हैं, वो वर्ल्ड के लिए कुछ सोचेंगे। A recent report of our parliament's estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually
treeless, the actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. तो हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हम 3.7 मिलियन एकड़ जो है वो फॉरेस्ट लॉस कर रहे हैं, लॉसिंग अ ईयर. तो हमें इसके लिए सही में कोई ना कोई स्टेप जरूर लेना चाहिए. अगर हम लास्ट जनरेशन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो हम और हमारी नेक्स्ट जनरेशन से तो ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और उनके लिए चाहे अगर हम तो एक अच्छा प्लेनेट, एक अच्छी अर्थ छोड़ के जा सकते हैं. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. तो यहाँ पे ये चीज भी उन्होंने बताई कि यूनाइटेड नेशंस ने जो भी सैटेलाइट थ्रू जो भी उन्होंने फोटोज ले उसमें पता चला कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी. इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन इयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन. दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 बाय द ईयर 1900. अ सेकंड billion was added and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. 5.7 billion तो जब उन्होंने ये बुक लिखी तब की बात है. उसको पता नहीं ये बुक लिखे कितने साल हो गए, 10-15 साल, तो अभी सोचो कितनी होगी. Every 4 days the world population increases by 1 million. So, इसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है. फर्टिलिटी फॉल्स एंड इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स, थस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यू. द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बेगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. सही है ये बात, पहले से भी कहते आ रहे बहुत सारे हमारे महान लोग थे कि जिस तरीके की इंडिया में पॉलिसीज हैं उससे रिच जो है वो ज्यादा रिचर बनता जा रहा है और पुअर जो ज्यादा पुअर बनता जा रहा है. मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क. इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग बी treated like cattle and compulsorily sterilized. Okay, compulsorily sterilized. यहाँ पे बोल रहे हैं कि education नहीं है, जो poor person है वो educated नहीं. इसके लिए क्या करें कि उनके घर में देखो तो 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं. उनको ऐसा है कि जितने बच्चे होंगे उतनी ज्यादा हमारे घर में इनकम होगी, बट वो ये नहीं समझते कि जितने बच्चे होंगे उतने बेकार लोग होंगे और उतने अनएजुकेटेड पर्सन भी होंगे ना, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे. वो भी जो आपसे सीखते हैं वो ही आगे लेके जाएंगे कि हमारे भी 5-5 बच्चे होने चाहिए. नहीं, 1 या 2 बच्चे रखो, उसको एजुकेट करो, तो वो जो है वो बेकार भी नहीं रहेंगे, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से कमाएंगे भी सही. तो जो है देश के ऊपर भी कोई लोड नहीं पड़ेगा. But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. The pollution of India is estimated to be 920 million today. अब ये कब की बात कर रहे हैं? जब उन्होंने बुक लिखी तब की. अभी तो कितनी है? 130 करोड़. है ना, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टूगेदर. अगर हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका को साथ में भी रखें ना तो भी इतनी हमारे जितनी नहीं होती पॉपुलेशन उनकी. तो ये है कि इंडिया में एजुकेशन नहीं है, इसके लिए पॉपुलेशन बढ़ रही है. पॉपुलेशन की वजह से डिमांड्स बढ़ रही है, डिमांड की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से
हमारी अर्थ जो इंडिया है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है। अभी अब हमने देखा होगा लॉकडाउन के पहले दिल्ली में, दिल्ली में कितना पॉल्यूशन बढ़ गया था कि सुबह हम किसी को देख नहीं पाते थे, इतना पॉल्यूशन सुबह सुबह ही देखते, शाम को जब हम घर पे जो जाते थे पॉल्यूशन की वजह से थोड़े दूर खड़े इंसान को हम नहीं देख पाते थे। बट जब ये कोरोना का कहर हुआ और जो भी दिल्ली में लॉकडाउन हुआ 3 महीना, हमने देखा कि हम कितनी क्लीन एयर विजन देख सकते हैं दिल्ली में, तो ये हम खुद अपने आप देख रहे हैं बट समझ नहीं रहे। वी आर नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग, हम समझ सब रहे हैं बट उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली वाले पागल तो नहीं बैठे होंगे ना, उनको पता तो होगा ना कि भाई लॉकडाउन के पहले किस तरह की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी, ये लॉकडाउन में देखो 3 महीने से घर पे बैठे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ दिख। तो वो हमें समझना है कि पॉल्यूशन कैसे कम करना है। नो फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन दैट हंगरी अटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट द प्लानेट। अब सर्वाइवल एक्चुअली अब ऐसा हो रहा है, एक मेंटेलिटी अब हमारी होगी कि हम सर्वाइवल हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं, बट नहीं, हम तो कर रहे हैं सर्वाइव बट हमें प्लानेट को भी सर्वाइव करवाना है वरना वो नहीं बचेगा। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। मैंने पहले ही बोला कि हमें मैकेनिस्टिक व्यू से होलिस्टिक व्यू की तरफ जाना चाहिए। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल अवर डिमाइज, इट इज अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज यशर्ड इज इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सींग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन अ dissociated collection of parts. Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. So, यहाँ पे हमें अब era of responsibility जो अपनी जो भी है वो हमें खुद अपने आप समझनी है। अब ये अपने ऊपर depend है कि हम किस तरीके से वो responsibility निभाते हैं। और ये जो सारे नाम है वो एक उस चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, तो इन्होंने अपना योगदान जो हमारे लिए किया, जो भी एनवायरमेंटल जो भी संस्था थी वर्ल्ड कमीशन एंड ऑल दैट, उसमें जो भी योगदान था उन सबके नाम यहाँ पे हमें मैंशन किए हुए हैं। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मैनेजर थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, नन हैज पास सो डिसिसिवली इन टू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेज एज हर फेलिसिटस वर्ड्स, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव अ लाइफ टेनेंसी विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज। इन द वर्ल्ड ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन वी हैव नॉट इनहेरिटेड This earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. तो मार्गरेट थ्रेचर के द्वारा हमें ये चीज उन्होंने एक लास्ट में एक सेंटेंस हमें बताया है इस चैप्टर में कि ये जो प्रॉपर्टी है जो भी हम प्लैनेट से ले रहे हैं वो हमारे forefathers, हमारे पूर्वज से नहीं मिली है हमें, है ना, वो हमारी कोई जायदाद नहीं है, वो हमने हमारे बच्चों से उधार लिया है, वो हमने लीज पे लिया है, भाड़े पे, कि भाई हम जब तक जी रहे हैं तब तक अच्छा प्लेनेट हमें दो, ऐसा। तो हमें हमारे बच्चों से हमने वो बोरो किया है तो हमें भी उसको वापस करना है जैसा हमने लिया है, एज इट इज। ओके, थैंक यू।